ये मैं बिल्कुल दरियाए नीलम के किनारे पे बैठा हूँ और ये देखें कितना इसका तेज़ फ्लो है दरिया का। तो इस रनिंग वाटर से ही हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। आजकल ऐसी टर्बाइन्स आ चुकी हैं जो कि पानी के तेज़ फ्लो में बिजली पैदा करती हैं और कोई ज़रूरत नहीं है बड़े बड़े डैम बनाने की। ये पानी की जो रफ्तार है इसकी वेलोसिटी से ही बिजली जनरेट की जा सकती है। और कई ऐसे मुल्क हैं जैसे स्वीडन है, उन्होंने ऐसी टर्बाइन्स बना दी हैं जो सिर्फ आप पानी में रख दें और पानी का फ्लो तेज़ होना चाहिए तो उससे बिजली पैदा हो जाती है। तो इस पानी को यूटिलाइज़ करके कोई ज़रूरत नहीं है बड़े बड़े डैम बनाने के भी। अगर बिजली जनरेट करनी हो तो यहाँ से भी हो सकती है, लेकिन ये इसी तरह पानी ज़ाया हो रहा है। कुछ जगहों पे छोटे छोटे टर्बाइन लगा के बिजली बना रहे हैं लेकिन बड़ी महदूद पैमाने पे। इस रनिंग वाटर पे तो काफ़ी सारी बिजली जनरेट हो सकती है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो बजाय इसके कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे अरबों डॉलर लगाए, वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगा के भी हज़ारों मेगावाट बिजली जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए कितना फ्लो तेज़ है इसका दरिया नीलम का। बिल्कुल मैं बॉर्डर के एरिया पे हूँ, सामने इंडिया का बॉर्डर है, LOC है 3 किलोमीटर के बाद। तो ये देखें कितना तेज़ फ्लो है इसका पानी का।